अरे भाई क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। एग्जामिनेशन के चक्कर में जो है बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। काम अच्छे करो, ये करो, वो करो, और बहुत डिस्टर्ब हो गया। ये कमरे का क्या क्या बना रखा है जी? अरे हालत क्या बना रखा है, एक तो एग्जामिनेशन लो और उसके बाद से नंबर बढ़ाने वालों का तांता लगा रहता है रात ही मेरे घर पे। आयो, मेरे पास तुम्हारी से परेशानी काल है, कहो तो कर दू ले 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 पों। क्या कर सकते हो तुम परेशानी काल में? अरे नहीं भाई, मुझे बहुत काम करना है, यूनिवर्सिटी काफी चक्कर के भेज दिए, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। भाई पिक्चर बहुत ही अच्छी है, मैं तो कह रही थी सर जिंदगी भर मलाल रहेगा। ए ले पाओ ले ले पाओ भाई, मैंने खाना के बाद नहीं जा सकता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ए ले ले पाओ, तो फिर क्या हाथ नहीं है जी, किसी चीज का शौक नहीं है। ए ये बात तुमने आज कह दी है, लेकिन ये बात कभी मत कहना, जानते नहीं अब मैं बहुत बड़े बड़े शौक करने जा रहा हूँ। आइयो, नाचने का शौक, गाना, हाँ गाने का शौक, गाना और बजाने का शौक। आइयो आइयो जी, तो अब नाचोगे भी? यस नाचूंगा, गाऊंगा। तुम नहीं जानते इससे मेरी शादी हो गई। आयो जी, पहले एक बात बताओ, तुम पिक्चर तो देखते नहीं, फिर तुम्हारे दिमाग में ये गाने का, ये बजाने का, ये नाचने का क्या दौर है? तुम्हारा तबियत तो ठीक है, चल तो रही है, ले ले पाओ। अब बताओ जी। अरे भाई देखो, मेरे दिमाग में ले ले ये कीड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। हाँ क्यों? जिससे मेरी शादी होने जा रही है उसे नाचने गाने और बजाने में कमाल हासिल है। आयो जी वाह, कहीं मेरा कोई अकेले नहीं हो रहा, तो मत कब कर रहे हो शादी जी? अरे भाई अब शादी, अब शादी तो क्या, अब तुमको विश्वास क्यों नहीं हो रहा मेरी बात का है कि मैं मतलब क्यों तुम मजाक समझ रहे हो बात को? आयो तुम्हें ये बताओ, लड़की कहाँ की है जी? लड़की तो यही लखनऊ की है। आयो जी पढ़ी लिखी है, कैसी है की बीए का? और सुनो, अगर तुम देखोगे ना तो देखते रह जाओगे, लाखों में एक है और परवरदिगार ने उसे अपने हाथों से बनाया। ये पतली कमर, ये लंबे खुंगराले बाल, और ये गुलाबी गुलाबी हो, और ये पजराले नए, देखते रह जाओगे भैया रंगा। आयो मेरी जान, तुम्हें क्या कैसे मतलब पाए जी, तुम्हें तो बड़े छुपे रिश्ता भी निकले, तुम्हें कब मिली उससे? भाई देखो, मैं न तो उससे मिला हूँ न मैंने उसको देखा है। ए ले पाँ, तुम्हें क्या आदमी है जी, जब तुम उससे मिला नहीं तब फिर तुम उसकी इतनी तारीफ का पहले क्या मानता जी? देखो यार तुम रंगा मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, हर बात मजाक में ले लेते हो। मैं मजाक कर रहा हूँ और नहीं तो क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ और नहीं तो क्या? तुम मेरी होने वाली बीवी की तोहिन कर रहे हो। आई तो मैं फोटो दिखा दूं मैं तुझे। फोटो रंगा, फोटो मैंने कहीं रख दिया है और मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। आयो जी तुम्हें बात मत बना, तुम्हें मेरे को फोटो दिखाओ। Thank you.
आती है पर मैं को कहीं देखती थी लगती है पसंद है ना आई चुपड़े सूरत जानी पहचानी थी लगती है आप बताइए क्या करें ए पसंद है आई पसंद है ना आप देखो मिया दाद दो मेरी पसंद को आयो जी दाद तो मैं तुम्हारे अक्कल की दूंगा जी ये फोटो किसका है जी ये फोटो मेरी होने वाली बीवी का है और आप उसे शादी कर रहे जी अरे भाई तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो तुम्हें जाने तो ये फोटो किसका है जी अरे ये मेरी होने वाली बीवी का है जी नैमिता प्रोफेसर सलीमी साहब जिसे आप अपनी मंगेतर का फोटो समझते हो वो एक फिल्म एक्ट्रेस का फोटो है अरे जिसे का शादी हो चुका है और उसका दो बच्चा भी है मैंने दर्द तुम्हें कुछ दर्द कर दिया जा रहा है ए अरे पाँ अरे भाई ले ले पो मेरे साथ धोखा क्यों होगा आयो जी तुम्हें को यकीन है ना तो इसका फोटो इंटरनेट में देख लो इसका नाम है पिचली और ये दो के बाद में काम कर रही है जी इसके मतलब वो दोनों बाप बेटे मुझे धोखा दे गए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम बात है ना मेरे नंबर पर आने वाली